अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जी, ये जो काले कपड़े में बैठे हुए हैं, इनको देख के आप लोगों को मतलब फेसिंग मिलती जुलती नहीं नज़र आ रही है एजाज के साथ। और ये जो बैठे हैं, जिनको ये पीर साहब और जो भी बोल रहे थे, तो ये आसिम के, सॉरी, एजाज के अब्बू बताए जा रहे हैं कि ये एजाज के अब्बू है। खैर, मैंने ना इनकी बहुत पुरानी पिक्चर देखी हूँ, इसके लिए मैं तो नहीं पहचान पा रही हूँ, लेकिन जितने लोगों ने भी इनको देखा है ना, सब जने यही बोल रहे हैं कि ये एजाज के अब्बू है। मेरे ये नहीं समझ में आया, अगर कि ये एजाज के अब्बू है तो ये वहाँ पे क्या कर रहे है, ये वो शादी में क्या कर रहे है? इसका मतलब है फिर ये अलिजबा की भी शादी में आए होंगे, क्योंकि अगर वकारी लोगों की शादी में आए हैं तो अलिजबा की भी आए होंगे, लेकिन उन लोगों ने वो टाइम पे दिखाए नहीं थे और ये टाइम पे दिखा दिए। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, ये बात भी आप लोग है ना याद रखना, आज नहीं तो कल जरूर ये बात भी सामने आएंगी, जो कि मैंने बोली हूँ कि पिटारा और साजिद का डिवोर्स हो चुका है। पिटारा एजाज की वाइफ है, जो कि इन लोगों ने बोला था ना कि मेरी पूरी फैमिली से बात करती है, हमने सबको बोला था हम निकाह में है, तो वो सारी बातें झूठी नहीं थी, वो सारी बातें सच्ची थी कि लोग निकाह में है। लेकिन इन लोगों ने ये बातें इसके लिए फैलाई कि हम लोगों ने एवं ही बोल दिए थे, वो झूठ था, ताकि ये साजिद की वाइफ बनी रहे, सिंपत्ति मिलती रहे, चैनल चलता रहे। आप देखो कि जो इसने बताई थी ना कि 2 घंटा दिन में ना मेरे हस्बैंड है ना कौशल को देते, वो उससे बात करते, तो वो कहानी उल्टी थी। ये दिन में 2 से 4 घंटा एजाज को देती है वीडियो कॉल पे और उससे बात करती है, ठीक है? तो वो कहानी उल्टी है। आप लोगों ने बहुत बार ध्यान दिया होगा, ये हर वीडियो में ये जताने की कोशिश करती है कि मैं गोंचू के साथ में रूम शेयर नहीं करती, करती है ना ये हर वीडियो में जताने की कोशिश, तो वो किसके लिए करती है? वो अपने ससुराल वालों के लिए, अपने हस्बैंड एजाज के लिए करती है। अभी जब सऊदी गया था ना एजाज, तो जाने से पहले भी ये दोनों माँ बेटी गए थे, उससे मिल के आए थे, पिक्चर विक्चर भी लिए थे, और वहां से भी लोगों को ये टच में है, बातें करते हैं, मिलते जुलते सब कुछ होता है। और इसकी ससुराल के साथ में भी पिक्चर है जो मेरे पास में पड़ी हुई है, जिसके पास में, इसके पिटारा के पास में वो भी खड़ा हुआ है, इसका बेवड़ा भाई, ठीक है? तो ये सारी बातों को अगर आप लोग नोट करोगे ना, तो पिटारा की एजाज से शादी हुई है और पिटारा उसकी वाइफ है, ना कि वो गोंचू की वाइफ है, और गोंचू की कौसर बीवी है, जो कि एक काम की वजह से एक रोल मिला हुआ है उसको, हस्बैंड का रोल जो वो कर रहा है, और उसके पैसे मिलते हैं, एक तो चैनल से, दूसरा पिटारा भी देती है। तो ये सारा कुछ करके वो काम कर रहा है, एक ड्रामा कर रहा है वो। जब ये पोल पट्टियां इसकी खुलेंगी ना, जब सारा कुछ तबाह होएगा ना इसका, तब देखना साजिद खुद आके बोलेगा कि मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ, और ये बातें जरूर साबित होंगी। और ये पिछले वीडियो, पिछले साल की जो शादी थी ना, उसमें भी इसने अपने ससुराल वालों को दावत दी थी, इस साल भी दावत दी थी, और वो तो आ नहीं सकता था एजाज, तो उसने अपने बाप भाइयों को जरूर भेजा था। तो देख लो कि अगर के ऐसा रिश्ता इनका अगर खराब हुआ है, तो इसके बाप भाई क्यों आए थे शादी में? और पिटारा तो नहीं दिखाएंगी ना, कोई और दिखाएगा कि उन लोग आए, इसने उन लोगों की खातिरदारी की, सारा कुछ की, ये थोड़ी दिखाएंगी, क्योंकि इसने तो एक ड्रामा खोल के रखी है। तो ये सारी बातें ना आप लोगों को नोट करना चाहिए, और इसके ऊपर आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो साजिद वाला शादी वाला ड्रामा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। और इतने अपने ससुराल वालों को जानबूझ के इधर पे बिठाई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेहमान थे जो इनको वीडियो में ले लेते, तो पिटारा की पोल पट्टी खुल जाती, और इन लोगों ने उनको पीर साहब बोल के, और पता नहीं क्या बोले थे, मुझे याद नहीं है, वो बोल के इन लोगों ने दिखा दिए, और इन लोगों को लगा होगा कि कहाँ उसके बाप को जानते होंगी ऑडियंस। लेकिन हाँ, इनकी पुरानी पिक्चर तो मेरे पास भी पड़ी है, और फेसिंग से लग रहा है कि ये वही है, बाकी अल्लाह जाने।
अब बात कर लेते हैं कि नज़ो की वीडियो पहले प्राइवेट हुई, फिर उसमें से कट कुट किट कुट कट सारा कुछ हुआ, फिर वो वीडियो वापस से पब्लिक हुई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अम्मा ने सच बोल दी, पिटरू की बेइज्जती कर दी, और वहाँ पे बहुत गिल्टी फील हुआ होगा पिटारा को। इसके लिए इतनी इसकी दादागिरी चलती है ना कि इसने वीडियो प्राइवेट करवा दी, फिर उसमें कट पट हुआ, फिर बाद में उसने पब्लिक की। मतलब भाई, अगर कोई सही बोलेगा, सच बोलेगा, वो भी ऐसा नहीं है कि गुस्से में बोली या इसको एक्सपोज कर रही थी, भाई तू ही बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तो उसने बोल दी, तुझे इतनी मिर्ची लग गई तूने फटाक से वीडियो को प्राइवेट करवा दी। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले, ये देखो वीडियो। रुखसती का टाइम है, रुखसती कैसे होगी कि मुझे लगता है कि ना हम दूल्हे को हम ही लेकर जा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन हम ही साथ में लेकर जा रहे हैं ना काला। हाँ। दूल्हा दुल्हन आप हम ही दे रहे हैं ना, क्यों शादी भी हमने किया, दे भी आप हम ही रहे, हम अपने घर ही लेकर जा रहे हैं। वैसे नहीं, शादी इसने की है, आपने की है, इसने आप उनके माँ बाप ने की है शादी, आपने इधर की है। नहीं, शादी इसने की है, आपने की है, इसने आप उनके माँ बाप ने की है शादी, आपने इधर की है। सुन लिया आप लोगों ने, इसको ये वाली क्लिप बिल्कुल भी नहीं पसंद आई है कि अम्मा ने ऐसा क्यों बोल दी कि शादी तुमने की है, इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। अरे भाई, जो सच है वो तुझे क्यों नहीं हजम होता? तूने खाली टेंट के पैसे दे दिए, डेकोरेशन के दिए, वो भी अपने वीडियो के लिए। तुझे तेरा वीडियो अच्छा दिखाना था इसके लिए, बाकी उन लोगों की हैसियत नहीं थी, उन लोग नहीं सजाते। जैसे अलीजबा के बाप ने नहीं सजाया था, शादी तो फिर भी हो गई थी ना, तो ये सारा कुछ ड्रामा तो तूने तेरे मफाद के लिए, तेरे फायदे के लिए की थी। खाली टेंट लगा के और सजावट करके तू अगर ये बोलेंगी कि मैंने शादी की हूँ, तो जाहिर सी बात है ना, कौन मतलब क्रेडिट तुझे देगा? और तुझे तो इतनी भूख है ना क्रेडिट लेने की, लोगों की शादियों का क्रेडिट, लोगों के पढ़ाइयों का क्रेडिट, लोगों की रोटियों का क्रेडिट, लोगों के जिंदा रहने का भी क्रेडिट तू लेती है। अब ये चीज इसको मिर्ची लग गई, बुरी लग गई, अम्मा ने क्यों बोल दी? मुंह देखा इसका कैसे कुत्ते जैसा हो गया था जब अम्मा ने बोली तो। अरे भाई सही तो बोली, और देखो जरा कैमरे के सामने कैसे खड़े रह के बात कर रही है, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी चीफ मिनिस्टर लगी हुई है वहां की। हाँ, हमने शादी की है, हम दुल्हन दूल्हा को लेके जा रहे हैं, दूल्हे की माँ ने भी कैसे चप्पल लगाई तेरे मुंह पे, ये क्यों तुम लोगों को क्यों दे देंगे? अरे पिटारा कितनी बेइज्जती करवाएंगी, हाँ एक चैनल के लिए कोई कितनी बेइज्जती करवाएगा तेरे से? हाँ, तेरे दुल्हन दूल्हा भी लेके जा रही है, शादी भी तूने करवाई, अभी रुक जा, शादी हो गई ना, अब रुक जा तू, थोड़े दिन की बात है, अब नज्जो तेरे सही वाले कपड़े उतारेंगी, अब वो गिनवाएंगी कि उसका कितना खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है और कैसे कैसे हुआ है। जो तू क्रेडिट ले रही है ना, अब नज्जो तेरे मुंह पे चपले लगाएंगी। अच्छा जी, एक चीज और आप लोगों को याद होगी, मैंने बहुत पहले बता दी थी ये बात कि पिटारा अपने माँ बाप की डिवोर्स करवाना चाहती है सिर्फ और सिर्फ असगर से बदला लेने के लिए, और ये बात सच्ची थी, शुरू से ही यही नियत लेके उसने अपनी माँ को बुलाई थी कि मैं कुछ भी करके अपने माँ बाप का डिवोर्स करवाऊंगी। खैर बाप तो वो कभी समझी ही नहीं उसको, अपनी माँ का और उसके बाप का डिवोर्स करवाना चाहती थी। और इसकी माँ पता नहीं कैसी औरत है, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वो पूरी पिटारा उसके ऊपर गई है, तो ये बात तो 100% सच निकली। आप लोग ये क्लिप देखिए और आप लोग खुद सोचिए कि ये औरत कितनी गंदी है, कितनी बेकार औरत है ये देखिए। अम्मी के साथ? नहीं, अम्मी नहीं जा रही। हाँ। अम्मी नहीं जाएगी। अच्छा, इधर होगी, मैं जा रही हूँ अकेली, वहाँ पे चाचा से जाके चाबियां लूंगी। अच्छा, और अम्मी ने आपको नहीं बताया कि मैं अकेली जा रही हूँ? नहीं नहीं, अम्मी से अभी मेरी बात नहीं हुई, नहीं मिली ना? नहीं, इस चीज पे बात नहीं हुई, तो आप जा रही हैं वहाँ? बैठी हुई हम चाय से, अभी मामू के घर, आप पता नहीं कहाँ चले जाते। मैं बाहर, जरा ठंड में अच्छा लगता है ना थोड़ा सा। फिर वो अम्मी ने बोला है कि मैंने कहा बहुत सर्दी है, देखे ठंड कितनी। हाँ, बहुत ज्यादा है, तो बहुत। नहीं तुम जाओ। हाँ। और बस में बैठ के चली जाओ। हाँ। वहाँ पे मेरा घर जो सामान है सारा पैक करके रखो, ताले लगाओ, फिर चाबियाँ मुझे दो, मैं फिर सितारा के साथ चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, मुझे वहाँ पे नहीं जाना, नवाकोट। ठीक है ठीक है, सही है भाई। तो जी सुन लिया आप लोगों ने, चुबिना को अम्मी ने क्या बोली है कि वहाँ पे जाओ, मेरा सारा सामान समेटो, ताला मारो घर को, और चाबी ला के मुझे दो। सुन लिया,
जो पिटारा का प्लान था माँ बाप का डिवोर्स करवाने का, उनको अलग करवाने का, इसका प्लान सक्सेसफुली कामयाब हो गया। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने हमेशा बोली हूँ, पिटारा एक पनौती औरत है, ये जहाँ भी पैर रखती है ना उनके घर बर्बाद हो तबाह कर देती है। देख लो, अम्मा के साथ में मिली, एक साल नहीं हुआ है या हो गया होगा एक साल, अम्मा को अपने पास रख के और अम्मा का भी घर तुड़वा दी। वहाँ गई सऊदी, उनका घर तुड़वा दी। मामू के इधर गई, उनका घर तुड़वा दी। कौसर के इधर आती है, इसका घर तुड़वाने के पीछे लग जाती है। ये पनौती पैर की औरत है, यह हर किसी को सिर्फ और सिर्फ बदनाम और बर्बाद करती है। इसके हाथ से कभी कोई अच्छा काम नहीं होता। और अम्मा को देखो, अम्मा को शर्म नहीं आ रही है इस उम्र में? तुम बोल रही हो मुझे नहीं जाना नवाकोट में, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा सामान ला के दे दो, मैं पिटारा के साथ जाऊंगी। अरे बुढ़ी हो गई है, शर्म आ रही है? तुम लोगों की जब शादी यहाँ पे YT पे एक्सपोज हुई थी तो बड़ी बातें हो रही थी भाई, बड़ी बातें हो रही थी कि शादी करना तो कोई गुनाह नहीं है, सवाब का काम है, बंदा ये उम्र में भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बंदा कर सकता है, इस उम्र में भी कर सकता है, लेकिन ये कौन से ढंग है? हाँ, एक मर्द को छोड़ती हो, दूसरे को करती हो, दूसरे को छोड़ती, तीसरे को करती हो, तीसरे को भी छोड़ देती, अब चौथा करोगी? हाँ, तुम लोगों के अंदर शर्म नाम की चीज है? अरे कितने मर्दों को छोड़ पकड़ करोगी पिटारा की तरह? और तुम्हारा, मैं तो क्या बोलूं कि ये तो बल्कि सच्चा साबित कर रही है ना, हमारी एक एक बातों को सच्चा साबित कर रही है कि ये भी पिटारा के जैसी आवारा गर्दी करने वाली ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ अय्याश औरत, गंदी अय्याश औरतें रहती है ना, जो मर्द छोड़ पकड़ करती है, उस तरह की ये भी अय्याश औरत है। आखिरकार इसने साबित कर दी कि ये पिटारा की ही माँ है। और ये लुटेरी दुल्हन ने नहीं मूवियाँ देखी है हमने, के दुल्हन शादी करती है, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब अपने नाम पे कर लेती है और फिर बाद में उनको धोखा देके रफू चक्कर हो जाती है ना? उसी तरह से पिटारा की माँ का ये धंधा है, पिटारा की ही तरह, पिटारा भी सेम यही करती है, इसकी माँ भी यही कर रही है। हाँ, जब तुम्हें निभाना नहीं था तो शादी किस लिए की थी? अय्याशी करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टियाँ हाथी आने के लिए? अरे बुढ़ी घोड़ी हो गई है, शर्म तो आ नहीं रही है? ये कोई बोलने वाली बात है? कमसीन जवानी है तेरी, हाँ, जो तू गुस्सा करके दिखा रही है उसको कि मैं नहीं जाऊंगी नया कोट, नहीं जाएंगी तो मत जा। अरे कम से कम उसको सऊदी से नहीं लेके आती ना, तुम लोगों के यही काम है। और तुम लोग है ना दूसरों को उसको तकलीफ नहीं दे रहे हो, तुम लोग है ना अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो कि तुम लोग एक गंदी औरतें हो, मर्दों को छोड़ पकड़ करने वाली औरतें। शर्म नहीं है तुम लोगों के अंदर? क्या मतलब होता है इसका? तू रुबीना को भेज रही है सामान उमान मंगा के घर को ताला मार के, तो फिर बुड्ढा कहाँ जाएगा? घर तो उसका था, तूने अपने नाम पे करवा ली और अब ताला मार के उसको घर से तू निकाल रही है और चाबी लेके तू उधर जा रही है। अरे तुम लोगों को शोभा देती है क्या सारी बातें? तुम लोग क्या सिखा रहे हो माशरे में, क्या फैला रहे हो कि इस तरह से कोई भी उम्र में मर्द को छोड़ देना चाहिए, वो भी उसको घर से बाहर निकाल के? और ये सारी बातें ना मैंने बहुत पहले, जब तू नई नई आई थी ना पाकिस्तान, तभी ही मैंने बता दी थी कि तुम्हारा और तुम्हारी गंदी बेटी का ना ये प्लान है कि बुढ़े की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लोगी, फिर बहाना करके झगड़ा लफड़ा करोगी और फिर उसका घर हथिया लोगी और उसको छोड़ दोगी। और आप लोग ये बात भी याद रखना, कुछ ही टाइम में अंकल वापिस से सऊदी चला जाएगा और ये यहीं रहेंगी हमेशा के लिए। और अंकल को फिलहाल तो ये फोन करके सारा कुछ बोल दिए कि तू निकल जा घर में से और मुझे ताला मारना है तो ये है तो वो है। तो अंकल को उसकी बेटी ने बोली है कि वो लेके जाएंगी, इसलिए YT पे बातें हो रही है कि वो अपनी बेटी के घर जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर घर में से निकलने का बोल रही है, उसको धमकियां दे रहे होंगे चोरी का और ये सब इल्जाम लगा रहे होंगे, तो वो तो जाएंगा ही ना घर में से निकल के, जबकि घर उसके नाम पे है बिल्लो के, तो क्या करेगा फिर वो? हाँ, और ये किस चीज के लिए पता है इसको डराया धमकाया जा रहा है? उसने जो दो वीडियो बनाया था ना,
एक पिटारा का यार वकार की माँ के लिए बनाया था और एक वीडियो उसने नज्जो के लिए बनाया था। खैर नज्जो के लिए उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, खाली नज्जो के लिए बनाता ना तो दोनों माँ बेटी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मेन पिटारा के यार वकार की माँ के लिए बनाया, उसका बदला लिए जा रहा है। तो देख लो कितना याराना लगता है ना ये बकरी पिटारा का, कितना बड़ा वाला यार है जिसके लिए ये बदला लेने के लिए अपनी माँ को बोल के बाप से छुड़वा रही है। पिटारा एक बात याद रखना, जैसे डीडी भर रहा है, फातिमा भर रही है ना, तू भी भरेंगी, क्योंकि अल्लाह है ना सबके साथ इंसाफ करता है, अल्लाह सबके किए का बदला जरूर देता है। तो तू ये मत सोच के तुझे नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा तुझे भी, टेंशन बिल्कुल मत ले, और तू अपनी आस औलाद में भरेंगी। इसी तरह से तेरी औलादों का जब कोई आके घर खराब करेगा, तेरी औलादों की खुशियों के ऊपर अपने डॉलर छापेगा, अपने पैसे छापेगा, तेरी औलादों का हक तुझसे छीनेगा, तेरी औलादों को दबाएगा कोई, तेरी औलादों के मर्दों के साथ में कोई अफेयर कर करके उनके घर तोड़ेगा, तब तुझे समझ में आएगा कि तूने क्या क्या किए। ठीक है, तुझे बिल्कुल समझ में आएगा। और बिल्लो आंटी आपका तो वो हशर होगा ना, क्या तुम मरते रहोगी ना, ये पिटारा तुम्हारे मुंह में पानी डालना तो दूर की बात है, वो भी नहीं डालेंगी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। बड़ा तुम उड़ रही हो ना अपनी बेटी के पैसे के ऊपर, अब तुम्हारी औकात यही है कि सिर्फ और सिर्फ तुम उसके घर की नौकरानी बन के ना उसके बर्तन धो, उसका खाना बनाओ और उसको चाटो बैठ के, क्योंकि सूख और अल्लाह की सर जमीन तुम्हारे नसीब में नहीं है। तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं थी इसीलिए तो अल्लाह ने तुमको वहां से निकाल के फेंक दिया है। लानत है बिल्लो आंटी तुम्हारे ऊपर, लानत है, लख दी लानत है। और ये बात बिल्लो ने साबित कर दी कि पिटारा इसके ऊपर गई है, ये खुद छमिया है और बेटी को भी छमिया बनाई है, इधर उधर मुंह मारने वाली गंदी औरत, लानत है बिल्लो आंटी के ऊपर। चले जी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।